Now I'm audible. ना हम ऑडिबल गाइस, अभी आवाज आ रही है? ऊपर से बहुत कुछ उसको चेंज है, ऊपर से ही होगा। आ रही है, आवाज आ रही है गाइस? एक बार और चेक करके बताओ, फटाफट बताओ, आवाज आ रही है? एम ऑडिबल? यस और नो? यस और नो? इनका वही रिप्लाई नहीं आ रहा। आवाज आ रही है? यस, फैंटास्टिक। वेट 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 वेट, थैंक यू। वीडियो लैगिंग भी हो रही है क्या सर? नाउ एवरीथिंग इज परफेक्ट? वीडियो लैग तो नहीं हो रहा? ऑडिबल है? लैग तो नहीं हो रहा वीडियो? ऑडिबल? यस, फैंटास्टिक। थैंक यू। अब मेरी बात ध्यान से समझना। रेणुका शुगर, समथिंग कुकिंग वेरी बिग। रेणुका शुगर में कुछ बड़ा धमाका होने वाला है और ये टॉप 10 के अंदर आती है। ये कंपनी टॉप 10 के अंदर शुगर के अंदर आती है, प्रोड्यूसर में, है ना? सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सेटअप और इसमें जो प्रमोटर्स हैं वो भी अपने स्टेक्स इसके अंदर इंक्रीज कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं अगर रिवेन्यू की बात करूं वो भी बहुत अच्छा इसका आ रहा है। और जो सबसे मजे की बात है, मैं आपको डायरेक्ट लेवल्स देना चाहता हूं। 3170 करंट प्राइस चल रहा है। यू कैन बाई रेणुका शुगर 3770। स्ट्रिक्टली यू नीड टू फॉलो द स्टॉप लॉस एंड सेट रिलैक्स। आप इसको 2 से 3 दिन के लिए आप रेणुका शुगर को लेके जा सकते हो। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, प्रॉफिट आपका, रिस्क आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही ट्रेड करिएगा। डन दोस्तों? डन है तो 3170 मार्क कर लो। हो सकता है कल मैं आपको 10% का अपर सर्टिफिकेट भी दिखा दूं, कोई बड़ी बात नहीं है। और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हो सकता है मेरे पास भी रेणुका शुगर की कुछ क्वांटिटी
अभी अभी वॉइस है, अभी क्लियर है दोस्तों, आ रही है? एक्सेप्ट कर दो, आ रही है? फैंटास्टिक, चलो फैंटास्टिक, ये अच्छी चीज, ये तो गुड न्यूज हो गई सर जी कि हम आपके पास आ रहे हैं। ऑल क्लियर, थैंक यू सो मच। सो मैं सबसे पहले आपसे बोल रहा था सर, रेनो का शुगर 3170 चल रहा है। यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा एज अ डिस्क्लेमर, मेरे पास भी ये पोजीशन हो सकती है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और प्लीज आप यहाँ पे रेनो का शुगर में 20-25% की मूवमेंट के लिए आप देख सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो रेनो का शुगर 3170 पे बाइंग करो, 29 का आपका स्टॉप लॉस होने वाला है, टारगेट 35 का पहला टारगेट रहेगा, 38 का सेकेंड टारगेट रहेगा। डन, आप इसको बाइंग करके सटर लाख 2-3 दिन के लिए आपको वेट करना चाहिए, आपको डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, मेरे को जो एक और अच्छा सबसे बढ़िया स्टॉक लग रहा है वो भी मैं आपको दूंगा, वीडियो के लास्ट पे बने रहिएगा, स्टे ट्यून विद अस, डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू। और एक डन, एवरीथिंग इज फाइन राइट। और मैं क्या देने वाला था आपको, आज रात को वेट करिएगा सर, एक बढ़िया पोर्टफोलियो वाला स्टॉक मैं आपको दूंगा, मल्टी बैगर रिटर्न, यानी कि स्टार्टअप में, ऐसा स्टार्टअप मैं आपको लिए ढूंढ के लाऊंगा रात को, जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो मल्टी बैगर रिटर्न के लिए। आई विल टॉक अबाउट 100% ROI, 200% ROI, 300% ROI, 500% ROI, इवन 1000% ROI भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बड़ा सोचोगे तो बड़ा मिलेगा, ये चीज मेरी बात याद रखना। तो आज रात को स्टे ट्यून्ड विद अस, मैं ऑलरेडी एक स्टॉक आपको मल्टी बैगर का दे चुका हूं, कौन सा दिया है बताओ, कौन है, एनीवन कोई बता सकता है कि मैंने कौन सा मल्टी बैगर स्टॉक आप लोगों को यूट्यूब में दिया था, एनीवन, कोई एक स्टूडेंट जो बता सकता है, एक मल्टी बैगर स्टॉक आई ऑलरेडी शेयर विद यू गाइस एवरीवन, कौन सा दिया था बताओ, प्रीवेस्ट, फैंटास्टिक 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 फैंटास्टिक, आज भी प्रीवेस्ट 9% की रैली है सर, कल भी रैली थी आज भी रैली है, ऑलमोस्ट 15% की रैली देने के बाद हो गई है, और आपको पता होना चाहिए ₹315 पे मैंने दिया था और ₹364 हो गई है, 6 तारीख को दिया था और आज 9 तारीख है, बीच में सैटरडे संडे भी थे, तो उसको हटा दो, 2-3 दिन के अंदर 315-364 रुपए, मैं अभी शांत नहीं हूं, मेरे को 400 रुपए के ऊपर चाहिए, मेरे को 500 रुपए के ऊपर चाहिए, मेरे को 600 रुपए के ऊपर चाहिए, 315 पे बाई किया है, 615 होगी, यानी कि 100% ROI, तब जाके कलेजी को ठंडक मिलेगी कि हाँ हैरी तूने जो दी कॉल वो 100% ROI है, नो चिंदीगिरी 5-10-15-20% के लिए। फिर बोल रहा हूं मल्टी बैगर स्टॉक है, ये वो स्टॉक्स के नाम बता रहा हूं, एक हिस्ट्री रचने की बात कर रहा हूं, हिस्ट्री में याद है आप लोगों को पहले क्या बोला जाता था, या आप टीवी में सुनते हो ना, बहुत सारे ब्लू चैनल एनालिस्ट आके बोलते हैं कि अगर आपने इंफोसिस में उस टाइम पे 10,000 लगाया होता तो आज 1 करोड़ की वैल्यू है, अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया होता तो आज 2 करोड़ की वैल्यू है, कुछ हिस्ट्री सुनते हो, और वो बंदा जो सोचता है कि हाँ मैंने लगाया था और मुझे मिल रहा है, वो कितना खुश नसीब होगा। तो मैं ये चाहता हूं सर, ये स्टॉक्स आप अपने बच्चों को देके जाओ, आपके लिए नहीं है, आप अपने लिए इंट्राडे करो, स्विंग ट्रेड करो, अपना रिटायरमेंट प्लान के लिए करो, अपने बच्चों के लिए प्लान के लिए करो, व्हाटएवर इट इज, बट ये एक ऐसा एसेट है जैसे प्रॉपर्टी होती है, आप बेचते हो प्रॉपर्टी, आप घर खरीदते हो, लैंड खरीदते हो, बेचते हो, नहीं किसके लिए, बच्चों के लिए छोड़ के जाते हो ना, तो सिमिलरली स्टॉक मार्केट में एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूं जो कि मल्टी बैगर स्टॉक होने वाले हैं आगे चल के, 10-15-20 साल आप उसमें सिर्फ और सिर्फ अपनी पोजीशन को बना के बैठे रहो, हो सकता है 10-10 हजार के पोर्टफोलियो, 50-50 लाख, 1-1 लाख का अगर आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको 1-1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट मिल जाए, एज अ मैं एसेट बात करना चाहता हूं, एज अ मैं कुछ और पिक्चर आपको दिखाना चाहता हूं, हम लोग डिसाइड करेंगे, मैं भी यही हूं, आप भी यही हूं, आप भी पुराने मेरे फॉलोअर्स बन जाओगे आफ्टर 10 ईयर्स डाउन द लाइन, आप भी बोलोगे हाँ सर आपके कहने पे मैंने ये चीज में लगाया था, एक्यूरेसी लेवल मेरे को सिर्फ 30% चाहिए, आई विल नॉट टॉक अबाउट एक्यूरेसी लेवल मोर देन 90%, भूल जाओ वो मिथ में। सर देखो बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे आपको टिप्स प्रोवाइडर, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे,
हमारी एक्यूरेसी लेवल 90% है, हमारी एक्यूरेसी लेवल 80% है. सर वी विल नॉट टॉक अबाउट एक्यूरेसी. है, अच्छी बात है, ग्रैंड सल्यूट है यार, आप अपने अकाउंट में ट्रेड करो, एंजॉय करो. प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में और एक्यूरेसी लेवल बोलने में जमीन आसमान का अंतर होता है, ये बात ध्यान रखना मेरी. आप जब ट्रेड करते हो ना, इंपॉर्टेंट इज एंड ऑफ द डे जब रिपोर्ट कार्ड आता है आपको 3:30 बजे, वो इंपॉर्टेंट होता है कि आपका रिपोर्ट कार्ड में क्या है. चाहे आपकी एक्यूरेसी लेवल 20% हो, चाहे 100% हो, इट डजंट मैटर, रोज आपका रिपोर्ट बोल देगा. डिसाइड आपको करना है. महीने के एंड में आपको रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगा कि आपके अकाउंट में प्रॉफिट है, लॉस है, व्हाटएवर इट इज, चाहे एक्यूरेसी लेवल गए तेल लेने. बुरा मत मानना सर, बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, बोलेंगे हमारी एक्यूरेसी लेवल है. आप एक्यूरेसी लेवल के चक्कर में मारे जाते हो. सबसे पहले काम देखो, काम ठीक है. एनीवे, तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टॉक. हो सकता है कल भी मैं प्री वेस्ट में आपको एक और कुछ 8-10% का सर्किट भी दिखा दूं. तो इसी तरीके से रेणुका को आप बाई कर सकते हो कल 10% का फिर से, हो सकता है अपर सर्किट लग जाए, कोई बड़ी बात नहीं है. तो भैया डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मेरे पास पोजिशन है, ओके. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं खुद अपने अकाउंट में ट्रेड करता हूँ. आई एम अ ट्रेडर, आई एम अ प्रोफेशनल ट्रेडर, मैं खुद ट्रेड करता हूँ. डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, रिस्क आपका, प्रॉफिट आपका, अपने रिस्क एनालाइज करने के बाद ही ट्रेड करें. और मैं आज आपको वीडियो के लास्ट में निफ्टी का बड़ा सिनेरियो दिखाऊंगा कि निफ्टी में बाइंग करें या सेल करें. क्या ये डेड कैट बाउंस है? 2 दिन की रैली, क्या ये डेड कैट बाउंस है? क्या आपको ठोकने का सोचना है? आज जो एडवांस में लेवल दिया था निफ्टी, बैंक निफ्टी, वहां से गिरी कि नहीं गिरी? 150 पॉइंट्स की गिरावट निफ्टी में आई है, जहां से लेवल दिया था, एग्जैक्ट गैप अप खुल के वहीं से चल नीचे मार्केट. कान पकड़ के बैंक निफ्टी को लेके आते हैं हम, निफ्टी और बैंक निफ्टी को. रानी है तो इज्जत के साथ कान पकड़ना है, नहीं तो पेल देगी. राइट. सो चलिए, तो मैं चाहता हूं सर आपके कोई सवाल जवाब हो. सबसे पहली चीज, ऑडियो गैप सर, नहीं आप अपना नो वॉइस, फिर से नो वॉइस आइला. फिर से वॉइस आ रहा है? आई एम ऑडिबल? नो साउंड? मेरी आवाज आ रही है? यस सर, नो आ रही है. फैंटास्टिक. सो निफ्टी बुलाती है पर जाने का नहीं, आपको हिंट दे दिया है. आज मैं आपको मंथली पे, वीकली पे दिखाऊंगा निफ्टी का कैसे काम करता है, क्या साइकोलॉजी होती है, कैसे मैं कल की बात आज मैं बनाता हूं. थोड़ा सा हिंट दूंगा, बाकी सब हम अपनी क्लास में तो सिखाते ही हैं, है ना. चलिए. सो इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, यू कैन आस्क मी. आई एम रेडी टू शेयर माय व्यूज ऑन योर पर्टिकुलर स्टॉक्स. ओके, तो मेरे दोस्त अभी निफ्टी में कोई बाइंग करने का ना सोचे, हम्बल रिक्वेस्ट है. और 15,530 का लेवल मैंने आपको बोला था कि इस लेवल से सेलिंग आएगी, और आज देखो मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद वहीं से बैक टू बैक कमिंग डाउन, और अभी दोबारा ऑलमोस्ट 17,500 के आसपास आ चुकी है. हैव पेशेंस, इस बार मैं 17,547 का लेवल का वेट कर रहा हूँ. 47 का लेवल और 15,570 का लेवल, इस लेवल के आसपास आएगा तो हम लोग फिर इसको ठोकने का सोचेंगे. डोंट वरी एट ऑल, डोंट वरी एट ऑल. ठीक है, डन. मैं आपके लिए कुछ और चीज मैं ढूंढ लेता हूं. अरे सर, एक स्टॉक आज अननेसेसरी 3% चढ़ गया सर, वो 4% चढ़ गया आज, वो भी मल्टी बैगर का काउंटर है, लेकिन आज इंट्राडे में 4% चढ़ गया है. क्या करूं मैं, की करा बताओ. एक्चुअली क्या है, कल ही मैंने बाइंग कर लिया था लेकिन टाइम नहीं था, मैं आपको नहीं दे पाया. फिर मैं सोचा रात को आपको लिए वीडियो बना के दे दूंगा, तो उसमें भी टाइम नहीं मिल पाया, फिर भी नहीं दे पाया, तो मुझे माफी दे देना मेरे दोस्त, थोड़ा सा माफ कर देना बस. सिंघवी मूव याद है? सिंघवी मूव रॉकेट बनेगा, रॉकेट. पर्सनली आई हैव अ वेरी गुड क्वान्टिटी ऑन दिस सिंघवी मूव, और आज ही आज में 5-4% की रैली है इंट्राडे में. नायका को याद रखना, नायका जिस दिन खुला था मार्केट उस दिन का हाई तोड़ेगा तो रॉकेट बनेगा नायका भी. ओके,
और मयूर यूनिक इस पे भी रडार पे रखो, कल का अगर हाई टूटता है मयूर यूनिक में तो वो भी रॉकेट बन सकता है सर। क्लीन साइंस डेफिनेटली बाय एंड सेट रिलैक्स, पर्सनली मैंने बाइंग करके गया हूँ और मैं अपने बच्चों के लिए बाइंग करके गया हूँ, अपने लिए नहीं तो मैं होल्ड करूंगा इसको। और अमर राजा अपने बच्चों के लिए यानी कि नेक्स्ट 5 ईयर्स का SIP का काउंटर है, मैं आप लोगों से एक पोर्टफोलियो शेयर करूंगा संडे को, नॉट सैटरडे, सैटरडे मेरा एग्जाम है सर और सभी रजिस्टर्ड का एग्जाम है। सो इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये जो अमर राजा बैटरी है एक्साइड इंडस्ट्रीज से, ये दोनों काउंटर को आपको कम से कम नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए अपने बच्चों के लिए SIP करनी चाहिए। ज़्यादा नहीं, 1000 रुपये का भी आप दो दो शेयर भी लेके जाओगे, एवरी मंथ आप 1000-2000 रुपये भी इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो सर 5 साल आपको इन दो काउंटर पर रखना चाहिए। बाकी के जो और 8 काउंटर हैं, टोटल 10 स्टॉक्स में आपको इसके अंदर बताऊंगा कि नेक्स्ट कमिंग 5 ईयर्स के लिए आपको कौन से पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक थीम बेस पे काम करता है। आपने नोटिस किया होगा शुगर काम करता है, पूरा शुगर काउंटर चलता है, फिर पूरा फार्मा सेक्टर चलता है, फिर पूरा IT सेक्टर चलता है, फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी सारी की सारी चलती है, तो एक मार्केट जो होता है, फिर मेटल बीच में चला था याद है, तो एक काउंटर जो जितने भी स्टॉक्स होते हैं ना सारे के सारे थीम बेस काम करते हैं। तो जो नेक्स्ट थीम आने वाला है वो आप लोग सब अवेयर हो, सबके सब EV का राइट, बैटरीज का, ये एक थीम आज से जनरेट हो रहा है सर। और बुल कभी महंगा नहीं होता, बियर कभी सस्ता नहीं होता, ये मार्क कर लो मेरी बात। तो आपको एग्रेसिवली जो पोर्टफोलियो है थोड़ा सा 5 ईयर्स डाउन द लाइन के लिए आपको सोच के बनाना चाहिए, मेरा हमेशा यही कमेंट रहता है। ऐसा नहीं है कि भैया आज इन्वेस्ट करा 25 साल 50 साल के लिए कर दिया, नहीं सर। इंपॉर्टेंट ये है कि आप और प्रोफेशनल कैसे बनते हो, क्योंकि आपको पता होता है एज कि यार ये इतने टाइम के लिए ये इसका सिनेरियो है, फिर मेरा अपना 50% पोर्टफोलियो वहां से प्रॉफिट बुक करके उसका प्रॉफिट और प्लस जो इनिशियल अमाउंट है वो पूरा का पूरा मैं कंट्रीब्यूट सेकंड सिनेरियो में कर देता हूँ, सेकंड थीम में कर देता हूँ। इस तरीके से ग्रेजुअली हर 4 साल में अच्छा पैसा बनने की कोशिश होती है राइट। काउंटर के साथ हम लोग खेलते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक नहीं खेलते हैं, पूरी की पूरी थीम बेस को उठाते हैं, तो इस वजह से प्रोफेशनल प्लेयर थोड़ा सा सक्सेसफुली आपसे अच्छा रिटर्न बना पाते हैं। मारुति अगर आपको याद होगा 7200 रुपीज में बोला गया था मारुति को बाइंग करो, अब की बात 10,000 के पार पेशेंस रखो, 2500 रुपए की रैली मारुति में मैं आपको दिखाऊंगा, बाइंग ऑन डिप मारुति की मैं बात कर रहा हूँ। और किसी का कोई स्टॉक निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बताओ, बिल्कुल बताऊंगा, वीडियो के लास्ट तक जमे रहिएगा, मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा निफ्टी बैंक निफ्टी का बड़ा सिनेरियो कि भैया क्या है। रेड अलर्ट दे रहा हूं, नो बाइंग एट ऑल, ओनली ठोको। क्यों, किस लिए, किस बेसिस पे आप इतने स्ट्रांग क्यों, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, दैट आई एम गोइंग टू शेयर द रीजन। ओके चलो, ट्रिडेंट दिया था याद है, ट्रिडेंट 47 रुपीज में बाइंग दिया था सर, मेरे पास भी बाइंग पड़ी है ट्रिडेंट की, मैं देख लेता हूं मेरे दोस्त। ओ हो, DFM देखो सर, DFM 15% इंट्राडे अप, 16% DFM इंट्राडे अप, मेरे पास पोर्टफोलियो अभी मैं अपना पोर्टफोलियो देख रहा हूँ, 16% इंट्राडे अप, क्या बात है। बलरामपुर चीनी 6.5% इंट्राडे अप, दालमिया सुगर 6.5% इंट्राडे अप, ट्रेडेंट 740% मेरे पोर्टफोलियो में फायदा हो रहा है, 740%, विश्वास नहीं हो रहा, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ, टेलीग्राम में मैं आपको अपना पोर्टफोलियो शेयर कर रहा हूं, यू कैन कम एंड चेक। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आई विल शो यू द मैजिक, आई विल शो यू द पिक्चर, यू शुड कम एंड चेक। मैं चिंदीगिरी की बात नहीं करता सर, 5-10-15%, अगर स्टॉक चले तो ऐसा चले कि दुनिया कहे कि वाह भैया वाह, क्या बात है, दिस इज पावर ऑफ किंग रिसर्च, पावर ऑफ किंग रिसर्च वैल्यू इन्वेस्टिंग। गो एंड चेक ट्रिडेंट में ऑलमोस्ट 700% प्लस ROI,
730% plus ROI. क्या आपको भी ऐसे काउंटर्स चाहिए जो 700-700% का आरओआई आपको बना के दे, प्रूफ के साथ, नो ज्ञानबाजी, नो ब्ला ब्ला, प्रूफ के साथ चाहिए? सर फॉलो यूट्यूबर स्ट्रिक्टली, अब मैं एग्रेसिवली आप लोगों के लिए वीडियोस बनाना चालू करने वाला हूं, एग्रेसिवली. डन. सत्रह हजार 570 क्रॉस क्या करना है सर? प्रवीण जी ये तो मार्केट ही बताएगा भाई, निफ्टी के पेट में क्या चल रहा है गुटर को कोई बता सकता है? नोबडी विल टेल. और रेनू का शुगर का सर मैं आपको, प्लीज गो एंड चेक द चार्ट आल्सो ऑफ द रेनू का शुगर, क्या ब्यूटीफुल चार्ट डेली टाइम फ्रेम में बना और जबरदस्त आज ही ब्रेकआउट निकला है भाई. मुझे कम से कम नहीं तो यहाँ से 37 रुपए का मिनिमम टारगेट, उसके बाद 42 रुपए का टारगेट, उसके बाद 50 रुपए तक का भी टारगेट लग रहा है रेनू का शुगर में. इतना मेरे को अच्छा दिख रहा है ये. आप सर सवाल दे दो मेरे को फटाफट फटाफट. आपका किस स्टॉक में कोई सवाल है, जवाब है, यू कैन राइट. और सर ये बताओ सर कल की बात आज आपको कैसा लगा? हैशटैग किंग रिसर्च जय हो जरूर लिख देना, अगर अच्छा लगा तो हैशटैग किंग रिसर्च जय हो, हैशटैग किंग रिसर्च जय हो जरूर लिख देना अगर आपको कल की बात अच्छा लग रहा है तो. लेंट व्यू, ओ माय गॉड सर जी सही पकड़े हो, अगला मल्टी बैगर स्टॉक मेरा लेंट व्यू का ही है, मल्टी बैगर स्टॉक मेरा लेंट व्यू का ही है, सही पकड़ा मेरा दोस्त. थैंक यू, थैंक यू मेरे दोस्त जो लोग किंग रिसर्च जय हो लिख रहे हैं, जिनको फायदा हो रहा है. और सर कितना कितना पैसा बनाया आज आप लोगों ने निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर हमारे लेवल्स पे कल की बात आज पे, वो भी प्लीज जरूर लिख दीजिएगा सो दैट जो लोग नए हैं उनको समझ में आए कि फॉलो करना है तो किसको करना है. और सर लाइक जरूर दबा देना, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, जिससे कि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए और जबरदस्त स्टॉक्स निकाल के लाए और जबरदस्त लेवल्स आप लोग के लिए निकाल के दें, सो दैट आप लोग दुआ में हमें याद कर सको. विकास वर्मा जी ने 30,000 रुपए कमाए हैं, क्या बात है. सतीश जी ने 30,000 रुपए कमाए, क्या बात है. 2,500 रुपए प्रॉफिट सिंगल लॉट, क्या बात है. संदीप जी बहुत बढ़िया स्टॉक है, बाइंग एंड सेट रिलैक्स फॉर योर किड्स, अपने बच्चों का फ्यूचर बनाओ सर स्टॉक मार्केट के अंदर, क्योंकि दुनिया अभी सिर्फ 5-8% लोग इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं या फिर मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं या फिर पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सोचो 90% से ज्यादा के लोग अभी तक मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, जिस दिन वो आएंगे आप भी कहोगे कि वाह गुरु वाह. जय हो किंग रिसर्च, थैंक यू. वन लॉट बैंक निफ्टी पुट 250 रुपए कमाए, क्या बात है. 8,000 रुपए कमाए सर जी ने, क्या बात है. भाटी सर थैंक यू, मजा आ रहा है सर. फॉलो कर रहा हूं मगर ट्रेड नहीं किया, कोई बात नहीं हार्दिक जी, ये भी अपने आप में समझदारी है कि पहले सीखो, 10 दिन प्रॉपरली फॉलो करो. कई मार्केट भागे नहीं जा रहा है, जब आपके साथ चीजें कनेक्ट होने लग जाए तब उसमें ट्रेड करने का सोचो. किंग रिसर्च की जय हो, थैंक यू. 1,000 रुपीज निफ्टी में कमाए, 50,000 रुपए आई एम प्रॉफिट, रियली ग्रेट जॉब, थैंक यू. थैंक यू राजू सर, ग्रेट जॉब तो मुझे आपके लिए बोलना चाहिए, 50,000 रुपए आपने कमाया. ₹24,100 का प्रॉफिट कमाया, क्या बात है. आरकॉम से दूर रहो.
IDBI का टारगेट ओके जनसार का भी मैं आपको बताता हूं। आदित्य बिरला एएमसी स्टॉक क्या करूं? कुछ नहीं बने रहो, अच्छा स्टॉक है। टीवीएस का तो बता दो, टीवीएस का भी बता देंगे सर जी क्या है। 35,000 रुपए बैंक निफ्टी में कमाया राहुल कुमार जी ने, क्या बात है। अपोलो हॉस्पिटल अच्छा गाइस, पेपर पेन लेके बैठो फटाफट, पेपर पेन लिया जल्दी से, फटाफट पेपर पेन लेके बैठो। सर मैं लेवल्स मेहनत जब ही करूंगा जब आप प्रॉपर पेपर पेन लेके बैठोगे और मेरे साथ बैठ के होमवर्क करोगे, मैं बहुत हैप्पी हूं तब आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए। टाटा पावर, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, एएमसी, एचडीएफसी एएमसी बाइंग एंड रिलैक्स फॉर योर बेबी फॉर योर किड्स। डोंट वरी, मैं कल की बात आज सर पेड नहीं करने वाला हूं, ये उन भाई लोगों के लिए और उनकी बहनों के लिए है जो लोग मेरी क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो लोग मेरी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनको सिखाता हूं किस तरीके से मैं लेवल्स निकालता हूं, एडवांस में स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रैटेजी सब चीज मैं आपको देता हूं, एक महीने का मेंटरशिप प्रोग्राम भी मेरा रहता है, मैं सब चीज अपनी क्लास में देता हूं। बट कल की बात आज सर प्लीज इसको पेड मत बनवाओ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सर इसमें जो लोग भी हमारी क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं उनका भी बेनिफिट हो, वो लोग भी हमारे से फ्री में कमाए और हमारे से आगे चल के ऑपरेटर साइकोलॉजी सीखने का सोचे। तो दिस इज माय अप्रोच, दिस इज माय थॉट प्रोसेस, इसी वजह से हैरी के चैरी शेयर भी लेके आ रहा हूँ जिसमें आपको स्टॉक सिलेक्शन मैंने आपको कल दिया था याद है परसों, और कल हमने 41,000 रुपीज उसमें कमाए थे, आप लोग के सामने एडवांस में लेवल्स दे दिए थे। आज भी मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग ने अच्छे से अच्छे बेस्ट टू बेस्ट स्टॉक्स निकालू जिसमें अच्छा खासा, मेरे ट्विटर हैंडल को फॉलो करना मत भूलना, देखो नीचे ट्विटर हैंडल को फॉलो करना मत भूलना, मार्केट हाई मार्केट लो सर 10 से 15, 20, 25, 30% का ROI within 10 डेज के अंदर मैं वहां पे शो कर रहा हूं विद चार्ट लर्निंग के साथ, प्रॉपर चार्ट लर्निंग के साथ, प्रॉपर चार्ट लर्निंग के साथ मैं वहां पे अवेलेबल करवाता हूं। गाइस, एक स्टॉक मेरे को अभी रडार पे आया है मेरे, और मैं आप लोगों से इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे, एक एफडी करना चाहोगे बोलो, अगर इफ यू इन देन आई एम रेडी टू शेयर विद यू। स्मॉल कैप कंपनी का है जो टाटा का सब्सिडरी है, स्मॉल कैप कंपनी का ये स्टॉक जो टाटा का सब्सिडरी है, नाम है आर्टसन इंजीनियरिंग लिमिटेड, आर्टसन ARTONEN। इस स्टॉक को डेफिनेटली आप बाइंग कर सकते हो एंड सेटर लाख समथिंग कुकिंग वेरी बिग, आई एम एक्सपेक्टिंग मिनिमम 100, 200, 300, 500% ROI। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा भाई, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूं, आप खुद इसका चार्ट बनाओ, आप खुद इसका पैटर्न देखो, अगर आपको समझ में आता है तो ही लीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करने के बाद ही ट्रेड करिएगा, बाद में लॉस होगा प्रॉफिट होगा मेरी भाई कोई दारे नहीं होने वाला है। ये हैरी के चैरी शेयर में बता रहा हूं,
आर्टसन इंजीनियरिंग लिमिटेड बाइंग एंड सेट रिलैक्स, आप बोलते ना सर कौन से स्टॉक में मार्केट गिर जाएगा क्या करो, ये ऐसे स्टॉक्स है भाई, इनको एसआईपी करो, एवरी मंथ यू शुड इन्वेस्ट समथिंग। और एसआईपी ऐसा नहीं कि एक स्टॉक में 5,000 का ले लिया, एक स्टॉक में 2,000 का ले लिया, एक स्टॉक में 20,000 का माल ले लिया, नहीं। अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हो तो ईच एंड एवरी स्टॉक शुड बी 2,000 2,000 2,000 का आपको इन्वेस्टमेंट करना है, या 5,000 5,000 5,000 हर स्टॉक में करना है, या 10,000 10,000 10,000 करना है, या 2,000 2,000 2,000 करना है, या 1,000 1,000 1,000 करना है, या 500 500 500 रुपए का हर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है। तो जो भी स्टॉक सिलेक्शन की लिस्ट मैं आपको दे रहा हूं, पेपर में नोट करते जाओ कि हैरी सर ने बोला था, डेट भी नोट कर लेना और पेपर को दीवार पर चिपका लेना। एक साल के बाद अपन बात करेंगे कितने परसेंट कार्रवाई बना, और फिर आप बोलना कि हैरी सर ने बोला था कि नहीं बोला था, क्योंकि सर मैं खुद भूल जाऊंगा आप मुझे याद दिला देना, ठीक है। डन दोस्तों, एक साल का रिटर्न 242% का है और वन मंथ का रिटर्न इसका 61% का है, और इसका बीटा 93 है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 423 करोड़ का है, 423 करोड़ का रुपीस का है, और इसका हाई कितना है कोई बता सकता है? 114 रुपए का इसका हाई है। मजे की बात जो आपको समझना चाहिए और सीखना चाहिए, CAGR ऑलमोस्ट 13% का इसका चल रहा है CAGR, राइट? चलिए, आप लोग के फीडबैक। अरे सर अवंती फीड एंड केपी आईटी एक ही स्टॉक बताऊंगा सर, इसमें एक ही स्टॉक बताऊंगा अवंती फिर। अच्छा एक स्टॉक और रडार पे मेरे आ रहा है, आईटीसी बाइंग एंड सेट रिलैक्स फ्यूचर का। ITC चाहो तो आप बाइंग कर सकते हो एंड सेट रिलैक्स फ्यूचर में, नीचे 4 रुपए का पैसा लगाएंगे, यानी कि अभी 229.50 रुपीस चल रहा है, आप इसका एसएल लगा के 226 पे कर लीजिए, 226 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट इसको छोड़ देते हो ओपन 240-250 तक का हमारा टारगेट रहेगा ITC दिसंबर का फ्यूचर। डन, प्लीज पेपर में नोट जरूर करना सर, तभी आपकी हेल्प होने वाली है, एकदम से भाग कर नहीं ट्रेड करना है, ठीक है। अच्छा अब मैं आपके सवाल जवाब पे आ जाता हूँ, चलो आपके सवाल जवाब भी ले लेते हैं हम लोग। और यस नाउ यू कैन आस्क मी व्हाट एवर यू वांट टू आस्क, यू कैन आस्क मी नाउ, आई हैव माय सेटअप नाउ, ये रहा मेरा सेटअप और ये हो गया मेरा HDFC AMC। ओए होए 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 होए, दिसंबर 6, 7, 8 और आज 9, 4 दिन से, 4 दिन नहीं रे बाप, बहुत दिनों से मार्केट एक रेंज में चल रहा है। ओहो हो हो हो, आई विल टेल यू 27 तारीख को 1 तारीख को 2 तारीख को, मतलब 30 तारीख से अब तक मार्केट HDFC AMC को ना ये निफ्टी के साथ गिरी है, ना निफ्टी के साथ ये चढ़ रही है, एक रेंज में काम कर रही है। सो नोट करना प्लीज, पेपर पेन लेके बैठो। यस, लक्ष्मण रेखा एट 2662 कितना है, यहां से 100 पॉइंट ऊपर का लक्ष्मण रेखा बता रहा हूं, 2662 इज आवर लक्ष्मण रेखा। अगर ये 2662 का लेवल टूटेगा यहां से और 100 पॉइंट के बाद ही आपको बाइंग करने का सोचना, तब तक आप इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। ओके डन। अच्छा अब जो थोड़े से स्कैल्पर्स हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर क्विक ट्रेड करके निकलना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता दूं 2596, अगर 2596 का लेवल क्रॉस होता है इसके ऊपर ही आपको बाइंग करने का सोचना है, विद टाइट स्टॉप लॉस 2565, विद टाइट स्टॉप लॉस 2565 का आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। डन, ग्रेफाइट बने रहो भाई, इंफोसिस बने रहो, नो प्रॉब्लम, पोजिशनल के लिए अच्छा है सर स्टॉक, नो वरी एट ऑल, घबराना नहीं है। एनी अदर स्टॉक,
अच्छा अविनाश जी का मैसेज आया है, हैरी सर थैंक यू, आज हमने 50,000 रुपए का प्रॉफिट बनाया है। ये देखो हैरी भाई थैंक यू, टुडे बुक 50K विद योर एक्सपीरियंस डन फॉर द डे, हैदराबाद लव्स यू, हैदराबाद लव्स यू, हैदराबाद लव्स यू, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे दोस्त, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, दिल खुश कर देता है तुझे यार। SRF कुकिंग बेक अभी चेक कर लेते हैं, विकास गायकवाड़ जी ने एक सेकंड बता रहा हूं मैं आपको, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, बिल्कुल मिलेंगे, कोलकाता में भी एक सेमिनार रखो, बिल्कुल करेंगे। सो गाइस TVS की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है, एक भाई बहुत देर से परेशान हो रहा है, TVS वो भी फ्लैट है, क्या बात करूँ उसमें भी, 783 का लेवल और 623 का लेवल और अभी चल रहे हैं 674 का लेवल, दूर दूर है। एनीवे कुछ तो देना पड़ेगा, 671 का लेवल जो है रडार पे रखो, यानी कि अभी 674 चल रहा है, 671 का लेवल अगर इसके नीचे आता है वी कैन सी ब्लड बाथ अप टू 623, अप टू 623, एंजॉय, डन, नोट कर लेना मेरे भाई, आई एम फ्रॉम कटक। अरे क्या बात है भाई ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कौन अच्छा भला अच्छा दिल्ली में कब आ रहे हो विकास जी? दिल्ली में हम लोग आ रहे हैं लाइव सेशन के साथ, 3 दिन का लाइव सेशन होने वाला है, पेशेंस रखो, अगर सब कुछ सही रहा तो मैं दिल्ली आ रहा हूं अपनी टीम के साथ और हम लोग लाइव, मेरे साथ अगर आप ट्रेड करना चाहते हो साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट करेंगे, ऑप्शंस के और ट्रेड करेंगे, जो भी अगर कुछ भी कॉन्सेप्ट स्ट्रेटजी सीखना चाहते हो, 2 दिन का वर्कशॉप और 1 दिन लाइव ट्रेड करेंगे। लाइव ट्रेड कब करेंगे? 1st of Feb को, 1st Feb को, जब पूरी दुनिया बोलती है हम ट्रेड नहीं करेंगे, उसी दिन हम लाइव आके हमारे साथ लाइव बजट वाले दिन हमारे साथ बैठ के हम लोग ट्रेड करेंगे। डन, आर यू इन? कितने लोग इंटरेस्टेड हो दिल्ली के लिए? कितने लोग आर यू गाइस इंटरेस्टेड इन दिल्ली वर्कशॉप फॉर विद लाइव ट्रेड ब्रेकफास्ट स्ट्रेटेजी के साथ में? ब्रेकफास्ट स्ट्रेटेजी के साथ में कितने लोग ब्रेकफास्ट स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं? लाइव ट्रेड विद ब्रेकफास्ट स्ट्रेटजी के साथ में कितने लोग यस हैं? यस करना, यस 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 फटाफट, अगर यस है तो यस, नो है तो नो। यस, अच्छा अब मजे की बात, देखो जितने लोगों ने यस तो बहुत लोगों ने बोला है ना, अब मैं देखो कैसे हिलाता हूं उनको। सर जो मेरी फीस होने वाली है 1,15,000 प्लस 18% GST, करो यस। लाइव सेशन पूरे यूट्यूब में आपको कोई नहीं देने वाला, पूरे इंडिया में आपको लाइव ट्रेड करके कोई नहीं दिखाने वाला है, नोबडी विल शेयर, ज्ञान बाजी सब होगा, लाइव ट्रेड कोई नहीं करने वाला, और मैं आपको अपनी पावरफुल सीक्रेट स्ट्रैटेजी IPO की, मल्टीबैगर स्टॉक कैसे ढूंढता हूं, IPO स्टॉक सिलेक्शन कैसे करता हूं, किस तरीके से मैं 300-500% के स्टॉक करता हूं, यानी कि इन्वेस्टिंग की दुनिया का सेटअप, अपार्ट फ्रॉम दिस इंट्राडे सेटअप, अपार्ट फ्रॉम दिस लाइव ट्रेड ब्रेकफास्ट, अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत है मेरे पास,
लेने वाले वाले, बट फीस मोटी चार्ज करूंगा क्योंकि सर मैं अपना सीक्रेट देने वाला हूं। क्योंकि ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, मतलब जो हम लाइव वेबिनार करते हैं उसमें बहुत सारे चोर लोग आते हैं ना, जैसे नो ब्रेन स्ट्रैटेजी आई, बहुत सारे चोर लोग आ गए। तो अब मैं यही कोशिश करूंगा सर, लाइव वेबिनार करूं, जाकि वेबिनार कह रहा हूं, वर्कशॉप करूं, सो दैट मेरी स्ट्रैटेजी मेरे पास सेफ रहे और मैं दिल से आपको पढ़ा सकूं, खुलकर आपको पढ़ा सकूं, और मेरी स्ट्रैटेजी किसी ट्यूटर के पास जा भी ना सके क्योंकि रिकॉर्डिंग कोई कर नहीं पाएगा। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, तो जहां पे भी वर्कशॉप करूं बिल्कुल अलर्ट रहना, समथिंग कुकिंग वेरी बिग इन आवर वर्कशॉप इटसेल्फ। बोल रहे हैं 5 लाख इंट्राडे प्रॉफिट करवा दो सर, फीस भी दे देंगे। मेरे बड़े भाई कल की बात आज, मैं आपसे चार्ज ही नहीं करता हूं सर। अगर मैं चाहूं वीकली बेसिस पे 25-25 हज़ार रुपए आपसे मैं कल की बात आज का चार्ज कर सकता हूं, एंड पीपल आर रेडी टू गिव मी, पीपल आर रेडी टू पे मी। ठीक है, तो बट नहीं करना चाहता क्योंकि जो चीज है सर दिल से वो आपके लिए है, और वो लाइव सेशन है। आप मेरे साथ खुद ट्रेड करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, अगर मेरे साथ ट्रेड नहीं करोगे, स्ट्रैटेजीज कराना चाहते हो तो भी है, लेकिन ट्रेड करोगे तो हो सकता है कुछ 10-20-40-50 हज़ार रुपये आप वहाँ पे कमा लो। टेक्निकल वर्ल्ड पुलिस आएगी मेरे घर, मोस्ट वेलकम है सर, भेज दो पुलिस वालों को भी, क्या दिक्कत है। विपिन जी प्लीज टेलीग्राम, मेरा बड़ा भाई बोल रहा है नो ब्रेन पेड स्ट्रैटेजी नॉट वर्किंग फ्रॉम लास्ट 40 डेज, क्या करें, मेहनत करो और मेहनत करो और प्रैक्टिस करो, काम तो सारी स्ट्रैटेजी करती है, 40 दिन से स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, उल्टा कर लो ना फिर। अगर आप बोल रहे हो नो ब्रेन स्ट्रैटेजी 40 दिन से काम नहीं कर रही, सिंपल उसका उल्टा कर लो, तो प्रॉफिट कमाओगे, थोड़ा सा तो कॉमन सेंस लगा सकते हो यार। मैं चाहता हूं कि आप मेरे को फॉल्स स्ट्रैटेजी दे दो जो हमेशा लॉस करे, मैं उसका उल्टा कर लूंगा, पैसा बन जाएगा, क्या बोलते हो, तो वो भी एक तरह से स्ट्रैटेजी हो गई। थोड़ा सा दिमाग खोलना है मेरे विपिन भाई, कोई बात नहीं, खुल जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि रिसर्च की संगति में रहोगे तो दिमाग खुल जाएगा। चलो नो ज्ञान बाजी, टीवीएस मोटर का मैंने आपको बता दिया, 671 के नीचे आप उसको सेल कर सकते हो, 656-651 का हमारा टारगेट रहने वाला है। ओएनजीसी वाला भाई, ओएनजीसी वाला भाई नोट करो, हाँ ओएनजीसी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, लक्ष्मण रेखा 151 रुपीज का है, अगर 100 अभी जो चल रही है 149 रुपीज चल रही है, अगर 151 का लेवल टूटता है तो टारगेट अप टू 156 का टारगेट रहने वाला है। डन। और अगर मार्केट में थोड़ा सा भी पैनिक करता है, यानी कि 147 के नीचे आता है, 149 चल रहा है, 2 रुपए नीचे आता है या फिर 2 रुपए ऊपर आता है, तो डिसाइड करने दो मार्केट को, अगर 2 रुपए नीचे आता है, 147 के नीचे आता है, तो डेफिनेटली आवर टारगेट विल बी 141-137 का हमारा टारगेट होने वाला है ओएनजीसी के अंदर, पैनिक स्लाइड अप टू 141-147। बाटा इंडिया में बता दूं, सो बाटा बहुत बढ़िया शेयर है, बाटा लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा बाइंग करो, सेटर लाक्स, बट अपार्ट फ्रॉम दिस बिलो 1960 विल सी पैनिक अप टू 1937-1921। बाटा अभी चल रही है 1993, बट 1960 के नीचे ही आप उसको सेल कर सकते हो, एंड सेटर लाक्स फॉर द टारगेट ऑफ 1937-1921। डन, फैंटास्टिक। अशोक लेलैंड बता रहा हूं, अशोक लेलैंड बता रहा हूं तुम्हारा, मैं अभी सर कमेंट नहीं देख रहा हूं, अशोक लेलैंड फैंटास्टिक 121 का इंपॉर्टेंट हडल है, पहली चीज। अच्छा अभी चल रही है 128 रुपए, यहां से 1-2 रुपए कि और मूवमेंट होने दो, यानी कि 31 रुपए और 131 रुपए, ये एक रेंज है, 129-131 इस लेवल पे आएगा तो आपको सेल करना है, नो वरी एट ऑल,
टारगेट 123-121 एनी टाइम इट विल बी फॉल लाइक एनीथिंग. समर में नहीं, विंटर में मेल्ट लाइक आइसक्रीम. विंटर में कभी देखा आइसक्रीम को मेल्ट होते हुए? लेकिन इस स्टॉक को देख लोगे आप. डन. और फार्मा पेपर में नोट कर लेना भाई. ओए होए 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 भाई, 710 के ऊपर निकलता है. अभी 703 रुपए चल रही है. अगर 710 के ऊपर निकलता है तो 756 रुपए का पहला टारगेट है. बट अगर ये स्टॉक 700 रुपए के नीचे गिरता है, सेल एंड सटर लाख समथिंग कुकिंग वेरी बिग अप टू 686-681. बिलो 700 आवर टारगेट 686-681. पेपर में नोट कर लीजिएगा सर. हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, हम्बल रिक्वेस्ट है सर. पैसा कमाया नहीं कमाया वो बाद की बात है. पहले कनेक्शन फिट करो कि यार वाकई में जिस बंदे को आप फॉलो कर रहे हो, जिस बंदे को आप अपना इंपॉर्टेंट टाइम दे रहे हो, क्या वो वाकई में पावरफुल है? क्या उसके एनालिसिस में उतना दम है? आप पहले वो इंस्टीट्यूट समझ लो कि क्या मैं उस इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाऊंगा, क्या वो पावरफुल इंस्टीट्यूट है, क्या वाकई में उसका नाम है, क्या वो वाकई में ट्रेड करता है. ये आपको सब समझना आना चाहिए. झील 380 नोट कर लेना. इसके ऊपर जाएगा तो और फायरवर्क्स होगा. बट पेशेंस. 351 के ऊपर आएगा, यानी कि अभी कितना चल रहा है, 367 चल रहा है. 351 के ऊपर आया हुआ है, इसके ऊपर नो वरी एट ऑल. आपको टेंशन नहीं लेना है. डन. और झील आप डेली टाइम फ्रेम लगा के देखो, एक लोअर लेवल पे बैठा है. मैं इसका टारगेट कम से कम 500 का एक्सपेक्ट कर रहा हूं. नाउ करंट प्राइस इज 367. माई टारगेट इज 500 रुपीज इन झील. बट 351 के ऊपर सस्टेन करते रहना चाहिए झील को. और 380 का पहला टारगेट, उसके बाद सीधे 500 रुपए का टारगेट. 10-15 दिन, 25 दिन, एक महीना, दो महीना होल्ड करो बस इसको. ठीक है. अब कौन सा स्टॉक? अवंती फीड. एक सेकंड. यस, लक्ष्मण रेखा 553. अगर 553 का लेवल अवंती फीड में तोड़वा दोगे, इट विल जूम टू किस 573 एंड 593 का हमारा टारगेट होने वाला है. 553 के ऊपर अवंती फीड्स, 573 एंड 593 का हमारा टारगेट होने वाला है. पेपर में नोट कर लीजिएगा. हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, 10 दिन पहले लेवल्स को फॉलो करो, सिंक करने की कोशिश करो, भाईचारे की तरह रिलेशन बनाने की कोशिश करो. अगर आपको चीजें समझ में आए उसके बाद ही ट्रेड करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करने के बाद. सर मैं गांधी क्या, मीत पटेल जी क्या बोल रहे हैं, एक सेकंड. सर मैं गांधीनगर गुजरात से हूँ, मुझे आपके पास सीखना है फेस टू फेस. आप जो फीस हो देने के लिए तैयार हूँ. आपकी फ्रेंचाइजी लेनी है. अरे बाप रे, फ्रेंचाइजी. सर मैं बहुत छोटा आदमी हूँ सर, बहुत छोटा ट्रेडर भी हूँ. मैं अपने पोर्टफोलियो में 5 लाख से ऊपर का अकाउंट रखता भी नहीं हूँ. और आई एम ए वेरी गुड स्कैल्पर, आई बिलीव इन स्कैल्पिंग एंड ऑल. तो सुबह सुबह मैं 10-15 मिनट में अपना ब्रेकफास्ट करके निकल जाता हूँ. यानी कि 5 लाख के ऊपर अगर मैं 50,000 का प्रॉफिट कमा रहा हूँ तो इट विल ऑलमोस्ट कम्स अराउंड 10% का आरओआई. बट क्या एवरी डे 10% आरओआई पॉसिबल है? वो भी पॉसिबल नहीं है. लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है. बट एंड ऑफ द डे अगर एक डिसेंट महीने के एंड में 25-30-40% का आरओआई मिलता है तो मोर देन एनफ सर. मंथली बेसिस पे 25-30% का आरओआई भी बहुत ज़्यादा होता है. बट कुछ लोग गलत सही में जीते हैं. अगर सर 10% इंट्राडे कमा रहे हैं तो 20 दिन भी अगर मान लो ट्रेड किया पूरे महीने भर में, तो भैया 200% का सर का आरओआई. ये हवाबाजी में होता है सर, रियलिटी में नहीं होता. हमें भी चपैत लगती है, हमें भी मार्केट उठा उठा के पलटी देता है, हमें भी रॉक की तरह, WWE की तरह हमें भी पटका जाता है सर, है ना. इंपॉर्टेंट क्या है? पोजिशनिंग. इंपॉर्टेंट क्या है? पेशेंस. इंपॉर्टेंट क्या है? डिसिप्लिन. इंपॉर्टेंट क्या है? रूल बेस्ड सेटअप. इंपॉर्टेंट क्या है? प्रॉपर स्ट्रैटेजी को स्ट्रिक्टली फॉलो करना. इंपॉर्टेंट क्या है? कंसिस्टेंटली आप उस स्ट्रैटेजी को इतना प्रैक्टिस कर रहे हो, एक एज निकाल रहे हो.
That is the most important part. India Mart, buying and set, relax for positional. बच्चों को gift देके जाओ क्योंकि सर digitalization का जमाना है, internet का जमाना है, तो India Mart internet वाली ही company है. Buying and set, relax. Nifty will fall today. सर ये तो टी से पूछ के मैं बता दूंगा. अरे वाह, हाई टूट गया क्या? ओ हो, निफ्टी 590 रुपए का हाई बना गई. मैंने आपको कल की बात आज में लेवल्स दिए हुए हैं. आशा करता हूँ आपने लेवल्स नोट भी किए होंगे. स्ट्रिक्टली वो लेवल्स को फॉलो करो मेरे दोस्त. स्ट्रिक्टली यू नीड टू फॉलो दीज लेवल्स, दोज लेवल्स. हैव पेशेंस. ओके, मैं आपको बड़ा पिक्चर दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा. डन. यस, SBI कार्ड की बात कर लेते हैं. सर बोलते बोलते मैं थक गया हूं, एक सेकेंड सोचो. सर मैं नॉन स्टॉप बोल रहा हूं कितने देर से, एक घंटे से. चलिए, SBI कार्ड बाइंग कर रहे हैं अभी मत. बिलो 70 ठोको. अभी कितना चल रहा है? 960. बिलो 970 यानी कि 970 का ऊपर का हर्डल है, इसके नीचे रहता है. ओनली थिंग फॉर द सेल सेल सेल, बट पेशेंस रखो. इसका जो टारगेट होगा 927, 911 एंड 896 का हमारा इसमें टारगेट होने वाला है SBI कार्ड के अंदर. डन. अब बात करते हैं अपोलो टायर की. और अपोलो टायर की अगर मैं बात करूं, सो अपोलो टायर बिलो 215 इट विल सी पैनिक अप टू 211 एंड 207. अब बात करते हैं इंडिया मार्ट की. बाइंग एंड सेट रिलैक्स फॉर द पोजिशनल ट्रेडर. बट इंडिया मार्ट वालों, अभी जो CMP चल रही है 72-83 के आसपास का लेवल चल रहा है. अगर इसको इंट्राडे या फिर दो चार दिन, दस दिन के लिए आप सेल करना चाहते हो, एक स्विंग ट्रेड करना चाहते हो, तो बिलो 72-10, ठीक है. अभी 72-83 चल रही है, तो बिलो 72-10 ठोको. शार्प पैनिक, ब्लड बाथ. 68-60-67-70 तक का टारगेट है इंडिया मार्ट में. बैंक बरोड़ा, वाह. 88 फैंसी नंबर, 88 फैंसी नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, ठीक है. अब ध्यान से समझ लो, 92.80 अभी करंट मार्केट प्राइस में 92.80 का भाव है. यस, एनी डिक्लाइन और पैनिक, ओनली थिंग फॉर द बाय. फैंसी नंबर 88, फैंसी नंबर 88 इस लेवल पे बाइंग एंड सेट रिलैक्स. डन. जय कॉर्प अबव 131, नो वरी एट ऑल, इट विल जूम टू किस 151-161. क्या बताया, 131 के ऊपर जय कॉर्प अच्छा लग रहा है, बाइंग करो एंड सेट रिलैक्स. समथिंग कुकिंग वेरी बिग अबव 131, टारगेट अप टू 151-161. Coming soon. UBL, oye, fantastic. मेरे दोस्त,
1600 का मार्क कर लो, अभी 1562 रुपए चल रहा है, 1562 UBL चल रहा है, और 1600 का इंपॉर्टेंट ऊपर का हडल है, ठीक है, उसके नीचे ओनली थिंग फॉर द ठोको, यानी कि सेल करो। अब पेपर में नोट करो, बिलो 1600 वी विल नॉट थिंक फॉर द बाइंग साइड, क्लियर। बट अगर शेयर का जिगरा है, लॉयन हार्ट ट्रेडर कैन गो शॉर्ट बिलो 1563 जो कि ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, विद स्टॉप लॉस 1600, पैनिक्स लाइक अप टू 1527 1510। सर 50 पॉइंट का टारगेट दे रहा हूं, नो चिंदीगिरी। अब आ जाओ टाटा पावर, देखो टाटा पावर पोजिशनल बाइंग एंड सेट रिलैक्स फॉर पोजिशनल एसआईपी के लिए, बट आई विल शो यू द मैजिक ऑफ निफ्टी बैंक निफ्टी लेवल्स, बड़ा व्यू पिक्चर क्या बोल रहा है निफ्टी फिफ्टी में, तो उसके बेसिस पे मैं अभी थोड़ा सा पैनिक साइड में हूं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि टॉप से 30-40% की कम से कम 30% की कम से कम एक करेक्शन बनती है निफ्टी बैंक निफ्टी में, उसके बाद फिर हम लोग बाइंग साइड में बैठ जाएंगे। बट द इंपॉर्टेंट इज लक्ष्मण रेखा 241 चल रहा है टाटा पावर का, और अभी जो सीएमपी है 229 चल रही है, तो टाटा पावर लक्ष्मण रेखा 241 परफेक्ट है। यस वंस राइज इफ यू सी दिस लेवल देन गो शॉर्ट 429 रुपए चल रही है, अगर ये 441 के आसपास आता है आपको सेल करने का सोचना है, एनी डेड कैट बाउंस ओनली थिंग फॉर द ठोको। और हाँ बिलो 224 पैनिक स्लाइड अप टू 211 207। डन, बजाज फिनसेवर नोट कर लेना, 17700 के नीचे नो बाइंग एट ऑल। अभी कितना चल रहा है 17600, 17700 के नीचे आपको बाइंग करने का सोचना ही नहीं है, ओनली थिंग फॉर द सेल। डन, बट ऊपर 18000 का स्टॉप लॉस लगाना, यानी कि 300 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस लगाओ, और ठोको इस काउंटर को 17300 17100 का हमारा टारगेट होने वाला है बजाज फिनसेवर में। अब अपोलो हॉस्पिटल की बात करता हूं, अपोलो हॉस्पिटल 5222 फैंसी नंबर 5222 अपोलो हॉस्पिटल का चल रहा है बिलो 5256 नो बाइंग एट ऑल, इसके नीचे ओनली थिंग फॉर द सेल। बाइंग स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं, अपोलो हॉस्पिटल में कोई बाइंग नहीं करेगा, ओनली थिंग फॉर द सेल। अगर इसमें दम है तो 6347 के ऊपर आएगा तो ही इसमें बाइंग है, तब तक 63 सर यहां से भी सोचो, मैं 1000 पॉइंट ऊपर की बात कर रहा हूं, तो अभी इसमें से सेल करने का सोचना है, बात खत्म। नीचे एक बार 4667 का लेवल दिखवा दो, टारगेट अचीव करवा दो, फिर बाइंग में बैठ जाएंगे, दिक्कत क्या है, स्टॉक से हमने शादी थोड़ी ना की है, जो बोलेगा हम वो करेंगे। आईओसी सर मैं अपनी टीम से बोलूंगा, भाई मैं थक गया हूं, इतने सारे लेवल्स आप लोग पता नहीं नोट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, सर मैं अपनी टीम से बोलूंगा नेक्स्ट टाइम से गाइस ये कैंपेन थोड़ा पेड करवाना, क्योंकि मेरे लग गए झगड़ों की वॉट, तो मैं चाहता हूं कि पहले जो सीरियस लोग हैं पहले उनकी सॉल्यूशन दे दे, उनके क्वेरीज ले लें, उनके डाउट्स ले लें, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि कोई भी आपका सवाल जवाब होगा तो यू शुड चार्ज 50 रुपीज मिनिमम, तो उसमें मैं आपको इंट्राडे लेवल जो भी आप उसमें मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा, पहले जो पेड मेंबर्स हैं पहले उनको हेल्प करेंगे, उसके बाद फ्री वालों के पास आएंगे अगर टाइम बचता है तो, है ना। हो सकता है सर पेड वालों में ही आप सब लोगों के जो सवाल होते हैं, क्योंकि कॉमन स्टॉक्स होते हैं आप लोगों के, उसमें आपको बेनिफिट मिल जाए। आज मैं फ्री कर रहा हूं, कल से पेड रखने वाला हूं। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज चीज का ध्यान रखें। सर मैं थक गया यार, ऑलमोस्ट 1 घंटा 10 मिनट हो गए। अच्छा चलो रिलायंस इंडस्ट्री, ओ मामा उल्लाला बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा है, बट डोंट बाय एनीथिंग इन रिलायंस इंडस्ट्रीज, नेवर एवर टच फॉर बाइंग रिलायंस इंडस्ट्रीज नाउअडेज, ठीक है। अच्छा अभी जो चल रही है 2467 का लेवल चल रही है, बिलो 2430 शार्प पैनिक नोट कर लेना लेवल, टारगेट 2270 200 पॉइंट का,
200 तो नहीं, 100-150 पॉइंट का टारगेट होने वाला है। ठीक है, टिम केन, आई लव दिस शेयर, टिम केन, एनी डिक्लाइन और पैनिक, आवर अल्टीमेट साइकोलॉजी इज ओनली थिंग फॉर बाई, राइट सर? अभी इसका 1937 का वैल्यू है, बट टिमकेन आई एम एक्सपेक्टिंग 6700 रुपीज, एक्चुअली जो इसका वैल्यू है 6700 रुपीज राइट नाउ, जो इसका फेयर वैल्यू है, बट ये अभी चल रहा है 1937 पे, तो आप इसका पोटेंशियल देख सकते हो, ऑलमोस्ट 2000 का शेयर, मैं बात कर रहा हूँ 7000 पे चले जाएगा, 5000 भी लोअर रेट पे मिल रहा है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करने के बाद फोकस करेगा, और टिमकेन का मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग चार्ट प्लॉट करें और देखें, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ा सा सीखने की कोशिश करें, आपको भी मजा आएगा कि वाओ ये कुछ एज होता है, ये हमें सीखना चाहिए, आप उसमें सीख पाओगे। एलटी के बारे में सर एक ही स्टॉक में बता पाऊंगा, उससे पहले एनआरबी, एक पेड मेंबर का आया है मैसेज, एनआरबी बस गाइस मैं थक गया हूँ यार, अब दो चार ही ले पाऊंगा। क्या कौन सा स्टॉक होता है एनआरबी, एनआरबी बियरिंग, अच्छा अवॉइड करो सर ऊपर का ना 190 का इसका एक लक्ष्मण रेखा है, तो जब तक ये इसको ऊपर नहीं जाएगा तब तक मैं बाइंग नहीं करूंगा, तो अभी मैं सिर्फ इसको अवॉइड करने के लिए बोलूंगा। और एसआरएफ, यस मेरे दोस्तों 2174, अगर 2174 का लेवल टूटता है तो ही हमारा जो टारगेट होगा 2350 का हमारा टारगेट होने वाला है, बट अभी जो रेट चल रहा है 2126 का चल रहा है, तो ध्यान से समझना 2100 के नीचे इसको सेल करने का सोचेंगे, शार्प पैनिक अप टू 2070-2060 का हमारा टारगेट होने वाला है। एलटी 1867 का लेवल चल रहा है, एलटी में 1867 का लेवल चल रहा है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, 1921 लक्ष्मण रेखा है हमारा, एनी राइज ओनली ठोको, एसएल 1936 का स्ट्रिक्टली यूनिट टू फॉलो, एमटीएनएल डोंट वेस्ट योर मनी भाई, कचरा स्टॉक्स में पैसा मत लगाओ, व्हाई यू आर वेस्टिंग योर मनी सर। ट्रिडेंट मेरा 1000% का टारगेट है, 730% का टारगेट मैंने अपने टेलीग्राम में आप लोगों से शेयर कर दिया है, जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम नहीं जुड़ा है और पहली बार आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, प्लीज कम एंड ज्वाइन टेलीग्राम इमीडिएटली, फ्री कॉल्स, लाइव कॉल्स में वहां पर शेयर करता हूँ, चेक करो सुबह सुबह कौन से स्टॉक दिए थे, 2-3 स्टॉक्स मैंने सुबह सुबह दिए थे, गो एंड चेक, मजा आया कि नहीं आया, टारगेट आया कि नहीं आया, प्रॉफिट आया कि नहीं आया, क्या आप भी उसमें ट्रेड करना चाहते हो, इमीडिएट बेसिस पे टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टिमकेन बहुत अच्छा शेयर है सर, महेश जी बाय एंड सेट रिलैक्स, टीसीएस सर बस और मैं थक गया सर, यस 3600 के नीचे ओनली ठोको 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 ठोको, टारगेट 35-36-34-70, कीप स्टॉप लॉस 36-36 एंड गो शॉर्ट, डन, जबरदस्त है। और इसकी राइडिंग करना चाहते हो तो 3670 के ऊपर का कॉल शॉर्ट करके बैठ जाओ, मजे लो एक्सपायरी के। सर लाइव ट्रेड कुछ करना चाहते हो बोलो, कुछ निकालूं आप लोगों के लिए लाइव ट्रेड, एक लाइव ट्रेड कुछ करना चाहते हो बताओ, देन आई एम रेडी टू शेयर विद यू भाई। आईटीसी बोला था बाइंग करने के लिए, आईटीसी बाइंग करने के लिए, आईटीसी आपको मैं बोला सर 1.5 रुपए वहां से चली गई है आईटीसी ऊपर, ओके 1.5 रुपए वहां से आईटीसी, ऑलमोस्ट 2 रुपए वहां से आईटीसी ऊपर है। रेणुका इंडस्ट्री सर्किट पे लगा हुआ है, बाइंग एंड सेट रिलैक्स, एक सेकेंड आप ट्रेड करना चाहोगे सर,
उसके बाद मैं आपको अपना लेवल दूंगा, जो बड़ा सिनेरियो है एक ट्रेड करेंगे तो आगे ठीक है, नहीं तो सर मतलब नहीं है। एक सेकंड दोस्तों, IOC लगाओ सर, एवरीवन। अरे लाइव सेशन कहाँ गया मेरा? मेरा लाइव सेशन कहाँ गया? या इज देयर। थैंक यू। यस बताओ सर ट्रेड। थैंक यू फॉर योर व्यू ऑन अपोलो हॉस्पिटल SRF। ठीक है, SRF बता दिया है भाई, दोबारा चेक करो। निफ्टी बैंक निफ्टी में बिल्कुल हैव पेशेंस सर। सर पेशेंस रखो मेरे भाई, 570 का लेवल बोला तो है, 530 570 का लेवल दोनों बोला है, क्यों टेंशन लेता है मेरे दोस्त? चलो सर, IOC और IDFC फर्स्ट दोनों लगा के रखो और बताओ मेरे को क्या लग रहा है। ₹120 चल रही है IOC। Patience will be you. IOC 110 का पुट लगा के रखो IOC में। IOC 110 का पुट लगा के रखो दोस्तों IOC। चलो फटाफट, वॉल्यूम इसका सपोर्टिव है, 3,55,000 पे 3,00,000 शेयर्स हैं। ITC में बने रहो। यस सर, गाइस कम ऑन, 110 का पुट IOC दिसंबर, 110 का पुट आप ले सकते हो, 65 पैसे पे चल रही है। बी केयरफुल, एक या दो लॉट पे ही काम करना और हम अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करने के बाद ही ट्रेड करना। लॉस आपका, प्रॉफिट आपका, रिस्क आपका भैया। तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, सोच समझ के ट्रेड करना। मेरे को यहाँ पे IOC 110 का पुट अच्छा लग रहा है, 0.65 पे बाइंग एंड सेटर लाक्स। ओके, और इसका ₹119.45 पे अपना ₹120 के आसपास ये चल भी रही है।
मैंने बीपीएसएल में पैसा बनाया, थैंक यू सर जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, फैंटास्टिक। आईओसी सर 60-65 पैसे का स्प्रेड है, 38 लाख बायर और 10 लाख इसमें सेलर हैं, 38 लाख बायर और 10 लाख इसमें सेलर है, फैंटास्टिक। ये ट्रेड हमारे अप्रोच में है, ये ट्रेड हमारे फेवर में है, इसका मतलब वेरी नाइस। आईओसी सर प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा मेरे दोस्त, सीखोगे आप अपने एज से खुद बन जाओगे प्रोफेशनल ट्रेडर, किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर, सच बता रहा हूं मैं आपको, दिस इज फैक्ट, आपको किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, प्रोफेशनल ट्रेडर आप खुद ही बन जाओगे। बट सीखने का सोचो सर, जिस दिन सीखने का सोचोगे तभी पॉसिबल है, अदरवाइज देयर इज नो पॉसिबिलिटीज। मैंने टेलीग्राम में भी डाल दिया है मैसेज, सो गो एंड चेक पास्ट। जो लोग टेलीग्राम में नहीं फॉलो कर रहे हैं गाइस फॉलो कर लीजिए, आपको हेल्प होने वाली है काफी। आईओसी लो बना रहा है, वेरी गुड, बना दे लो, बना दे, आजा 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 मेरी डार्लिंग आईओसी, कम ऑन डाउन। इसके बाद आईडीएफसी फर्स्ट को भी मैंने रडार पे रखा हुआ है, फैंटास्टिक फैंटास्टिक फैंटास्टिक। 0.60 पे हमारी आईओसी बाइंग थी, 0.60 पे बाइंग थी, अभी 0.75 चल रही है, हाफ पेशेंस सर, थोड़ा सा और गिरने देते हैं इसको, और इमीडिएट बेसिस पे नाउ यू कैन मॉडिफाई योर स्टॉप लॉस एट कॉस्ट टू कॉस्ट, कॉस्ट टू कॉस्ट लगा लेंगे अपने स्टॉप लॉस को, डन। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, थोड़ा सा और पैनिक आ जाए तो मजा आ जाए दोस्त। हाँ 0.75 15 पैसे नीचे गिर गया है। आज बैंक निफ्टी में 2000 का लॉस हुआ, कुछ बताएं क्या करें? क्यों आयुष जी, सुबह सुबह तो हमारे खुलते ही साथ मार्केट में ठोको ना था, हमारे लेवल पे एग्जैक्ट टच करके मार्केट पहला 5 मिनट का कैंडल चेक करो, उसके लो के नीचे आपको बिंदास ठोकना था सर, कोई टेंशन वाली बात थी ही नहीं उसमें, कहां फंस गए? कहां फंस गए मेरे भाई, मेरे प्रभु? Fighting, they are fighting and dancing to King Research tune. Wait, have patience. उसके बाद IDFC फर्स्ट में लगा लेना 50 रुपए की कॉल, अभी कुछ नहीं करेंगे, बस लगा के रखना, ठीक है? आने दो सर, थोड़ा सा 80-85 तो आने दो, तब निकलेंगे। अरे लेकिन 5 लाख 0.70 पैसे में 5 लाख है, वेरी नाइस।
7 लाख बायर आ गए हैं भाई, क्या बात है। चलो ऑपरेटर कर दे चढ़ाई, ऑपरेटर कर दे चढ़ाई, कुछ तो कर दे। सर कीप मॉडिफाई स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट, ठीक है थोड़े से देखो, अभी 75 पे 5 लाख सेलर आ गए हैं और 0.70 पे ऑलमोस्ट 4,94,000। पहले बायर साइड ज्यादा था, सेलर साइड कम था, 46 लाख और 17 लाख। अब देखो सेलर साइड थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं। कीप मॉडिफाई स्टॉप लॉस एट कॉस्ट टू कॉस्ट, ठीक है। कीप मॉडिफाइड स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट 0.65 का आप स्टॉप लॉस लगा के बैठ लो। 65 पे हमने बाई करी थी, मेड हाई 0.75। अगर आया तो बढ़िया आएगा, नहीं तो अपना कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएगा। सर ज्यादा प्रॉफिट लेना ही नहीं ऑप्शंस में, तुरंत प्रॉफिट बुक करो। ज्यादा प्रॉफिट के लिए सोचना ही नहीं है सर, तुरंत अपना प्रॉफिट बुक करो, लेके घर जाओ। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लगाओ फटाक से, एक और ट्रेड लेंगे नहीं तो। आईडीएफसी फर्स्ट नहीं, वेट करो वेट करो वेट करो वेट करो। 4886 यानी कि ऑलमोस्ट 49 का लेवल है और अभी 4880 का एक्चुअली लेवल है। 4880 के नीचे टूटेगा तो ही सेल करेंगे। अभी जो चल रही है 4925 है, तो यू शुड वेट। अभी सेल ना करें, वेट करते हैं थोड़ा सा, देखते हैं यहाँ पे एक दो और कैंडल 5 मिनट का कैसे बनता है, उसके बाद ही एक्शन लेंगे इसके अंदर। डन, कूल भाई। आईओसी से निकल जाओ सर, सारे के सारे एग्जिट फ्रॉम आईओसी, एग्जिट फ्रॉम आईओसी, एग्जिट फ्रॉम आईओसी। ओ भाई 8,51,000 सेलर हैं अचानक से, व्हाट इज दिस। थोड़ा सा पंप कर रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, थोड़ा सा वेट करते हैं सर। आप 5 मिनट का कैंडल लगाओ, बीच में एक रेड 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 के बीच में डोजी बनी है, उसके अगर हाई के ऊपर जाएगा तो बाइंग करेंगे। डन, बस अभी वेट एंड वॉच, तब तक कुछ नहीं, हैव पेशेंस, वेट एंड वॉच, दैट्स ऑल। रिसर्च निफ्टी 17,300 का कॉल सोल्ड, 17,300 का कॉल सोल्ड किया 227 पे, नाउ 400 पे, व्हाट शुड आई डू। अरे भाई क्या कर रहे हो यार, प्रॉफिट स्टॉप लॉस भी तो चीज होती है सर, डबल हो गया है, हैं अभी भी पूछ रहे हो क्या करूंगा। सबसे पहले लॉस बुक करो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ऐसे ट्रेड नहीं होता है सर, ऐसे ट्रेड नहीं होता है, हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों, ऐसे ट्रेड नहीं होता है। दिस इज माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन। बाकी मैं आपकी हेल्प करता हूं सर, थोड़ा सा बने रहो, ठीक है। ओवरऑल मार्केट मेरे को डाउन लग रहा है, तो गाइस मैं आपको अपने सिम की तरफ ले चलता हूं सबसे पहले, ठीक है। तो देखने वाली बात यह है कि जो मेरी स्क्रीन में मैं आपको दिखाना चाहता हूं,
कि क्या दिखाना चाहता हूं, तो देखने वाली बात यह है, बसंती का डायलॉग याद आ गया मेरे को, आओ आओ मेरे पास आओ, फटाफट आओ, मेरी स्क्रीन में आपसे शेयर कर रहा हूं, कम एंड ज्वाइन। देखो सर मेरी स्क्रीन देखो आप, दिख गया, दिख गया मेरा स्क्रीन, शेयर हो गया, इफ यस देन से यस, स्क्रीन शेयर हो गया मेरे दोस्तों, अगर दिख गया तो बताओ यस, नहीं दिखा तो बताओ यस, सब में यस, पेशेंस रखो। Fantastic. एक सेकेंड, एक सेकेंड सर, अटक गई है मेरी स्क्रीन, अटक गई है यार, पता नहीं क्या नाम है। ये देखो विपिन जी का एक मैसेज आया, मैंने आप लोगों के लिए पिंग किया है, बहुत देर से भाई परेशान था तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं। नो ब्रेन पेड स्ट्रैटेजी में आपने आराम से बोल दिया उल्टा करो, नहीं भाई मैंने नहीं बोला उल्टा करो, मैं आपके थॉट प्रोसेस के साथ खेल रहा हूं, मैंने आप लोगों को नो ब्रेन एक स्ट्रैटेजी दी है, बिलीव नहीं करोगे मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट पे आज उसका परफॉर्मेंस डालूंगा, डन। आप बोल रहे लॉस हो रहा है, मैं आज आपका उसका परफॉर्मेंस डाल के बताऊंगा नो ब्रेन स्ट्रैटेजी में कौन सा चला नहीं चला, क्या हुआ, स्टॉप लॉस कितने हुए, सभी डालूंगा, डन। सर पैसा बना रही है, कोई स्ट्रैटेजी ऐसी हो ही नहीं सकता कि 100% पैसा बना के दे, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी हो ही नहीं सकती कि वो 100% आपको लॉस बना के दे, एज आपको निकालना है मैन्युअली, मैंने आपको स्टॉक सिलेक्शन करना सिखाया है, मैन्युअली कैसे ट्रेड करना है वो भी सिखाया है, आपको प्रैक्टिस करनी है भाई, बिना प्रैक्टिस क्रिएट करोगे तो कुछ नहीं बनेगा, समझो मेरे दोस्त। क्या श्री कृष्ण जी को आप फाइटिंग करनी नहीं आती, उनको लड़ना नहीं आता, हर अस्त्र के बारे में वो जानते हैं, बट उनका सुदर्शन चक्र इंपॉर्टेंट है, क्यों, दिमाग लगाओ। हनुमान जी हर अस्त्र के बारे में जा रहे, हर अस्त्र शस्त्र के बारे में जानते हैं, जानते कि नहीं जानते हैं, हर चीज को चलाना जानते हैं, जानते कि जानते हैं, फिर भी वो गदा पकड़ते हैं, क्यों, दिमाग लगाओ। मैं आपसे चाहता हूं कि आप अपना एज खुद निकालो, आपका अस्त्र कौन सा है, उतना पावरफुल बनो तब पैसा बनेगा, नहीं तो एनीवे चलो इस भाई को हटाते हैं। मेहर भाई अभी रुक जाओ, यस नाउ यू कैन चेक गाइस, आपके साथ मेरा स्क्रीन शेयर है राइट, मेरा अपना इधर छोटा सा ट्रेड भी चल रहा है, तो चलो एनीवे सर ये रेणुका शुगर जो मैंने आपको बताया बाइंग करने के लिए 1070 पे, हो सकता है कल अपर सर्किट हमारे और हमारा जो टा वो होगा करीब करीब, है ना, दिस इज आवर फर्स्ट टारगेट एंड दिस इज आवर
सेकंड टारगेट आप मान चलो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था निफ्टी का, है ना, निफ्टी को समझ लो मेरे दोस्त, बहुत अच्छी चीज, मैं आपको बहुत ध्यान से समझना निफ्टी का ओवरऑल व्यू क्या लग रहा है, ठीक है। मैं इस पे सारे इंडिकेटर डिलीट कर देता हूँ, बिल्कुल फ्रेश लेवल पे बताऊंगा। सबसे पहले मंथ चार्ट, ओके। अब आप इसमें वीकली चार्ट देख लिया, अब आप इसमें डेली चार्ट भी देखो, देख लिया। अब एक एज निकालने की कोशिश करो, कोई लेवल्स, एक ट्रेंड लाइन मैं खींचता हूं, एक ट्रेंड लाइन देखो, ठीक है। अब इस ट्रेंड लाइन सर एक ब्यूटीफुली मैं आपको एक सेटअप दिखाना चाहता हूं, या तो इसको करो या इसको कर लेते हैं, या दिस इज अ परफेक्ट वन, है ना। देखो ब्यूटीफुल इट इज डन। आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रखी है सर, स्क्रीन शेयर हो रखी है, आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रखी है, यस और नो, है ना, यस। अब देखो सर, दिस इज निफ्टी का एक रैली, और मैंने आपको अपने कल की बात आज और जिस तरीके के मैं सेशंस लेता हूं या अपनी क्लास में मैंने आपको चीज सिखा रखी है कि एक पावरफुल ट्रेंड लाइन, अगर प्राइस ऐसे चल के ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है तो इसकी करेक्शन यहां से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कम से कम, क्या हो गया, एक सेकंड दोस्तों, ठीक है। तो आप नोटिस करने वाली क्या बात है, तो इसके नीचे मैं एक्सपेक्ट करता हूं कम से कम 30% का करेक्शन मार्केट ने इसके नीचे ले आया है। तो ये जो मैं बात कर रहा हूं डेली की बात कर रहा हूं, नाउ आई विल टॉक अबाउट वीकली की मैं बात कर लेता हूं। सर देखो, इट्स अ ब्यूटीफुल रैली आफ्टर क्रैश, कोरोना के वजह से क्रैश होने के बाद आप देखो एक बहुत जड़िया जबरदस्त रैली एक आ रही थी जिसने एक अच्छे खासे ब्रेकआउट के साथ पावरफुल तरीके से था, इसको इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। अब जो मैं आपको बोल रहा था ना डेड कैट बाउंस, सर सिर्फ और सिर्फ और ये डेड कैट बाउंस है, और सीखने वाली बात क्या है प्लीज ध्यान से समझना, घबराना नहीं है सर। एक लेवल है इंपॉर्टेंट, ये वाला लेवल, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे ब्रेक होता है सर भूत बन जाएगा इसका, मार्केट का भूत। क्यों, देखो आप नोटिस करो ध्यान से समझना, रेड रेड, बीच में क्या आया ग्रीन, डेड कैट बाउंस आए, उसके बाद फिर मार्केट ने ठोका, अच्छे से ठोका। अब देखो सेम पैटर्न, रेड रेड, फिर ग्रीन आया, ग्रीन आया, हैव पेशेंस, ये एक रेंज मैंने बना दी है आज और कल के मिलाकर। अगर कल मार्केट को गिरना है ध्यान समझना, एक रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल, और अचानक से सर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को देखो, गो एंड चेक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, रॉकेट अप बन गया है, डोजी के ऊपर बोला था मैंने बाय करने के लिए, ठीक है। अब देखो अगर इसके बीच में एक रेड कैंडल बन जाए, इसके बीच में एक रेड कैंडल बन जाए, और उसके बाद अगर ये लो टूटे, मतलब सेल 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 आ रहा था, मतलब गिरावट आ रही थी, बीच में रेड कैंडल बन जाए, इसके नीचे फिर ठोक दो सर, बड़ा टारगेट मिलने का एक्सपेक्टेशंस होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी पोजिशनिंग कहां है, क्या इस तरीके का सेटअप टॉप पे बनाए या बॉटम पे बनाए। अब देखो ये रैली, एक ग्रीन कैंडल रॉकेट अप, ये रैली ग्रीन रेड कैंडल रॉकेट अप, देखते जाओ ग्रीन रेड रॉकेट अप, रेड रॉकेट अप, रेड रॉकेट अप, रेड फिर रॉकेट अप, तो जब तक नया हाई इसके ऊपर ही जाएगा, समझ रहे हो। आप ये पैटर्न सीखने की कोशिश करो सर, ग्रीन रेड रॉकेट अप, फिर रेड आया, पेशेंस, पेशेंस विल गिव यू एवरीथिंग,
कैसे, मैं कल की बात आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर चीज समझ में आ रही हो और आप करेक्ट कर पा रहे हो किंग रिसर्च के साथ, मेरे साथ, हैरी सर के साथ, हमारे टीम के साथ, सर तो एक लाइक और शेयर जरूर कर देना सर सीखने के लिए। तो ये भाई वीकली बेसिस पे हो गया है। नाउ आई विल टॉक अबाउट द मंथली चार्ट, यू कैन चेक। इसमें आपको इतना बढ़िया पिक्चर नहीं दिखेगा, लीव इट, बट वीकली एक बहुत पावरफुल ब्रेकआउट के साथ बैठा है, डेली टाइम फ्रेम में एक डेड कैट बाउंस है, अगेन मार्केट हो सकता है कल भी एक इस लेवल तक जाए, यानी कि 17,670, मैंने ऑलरेडी कल की बात आज में दिए हुए हैं, राइट, तो वहां तक बाउंस बैक। अब आपको समझ में मैं कैसे लेवल्स निकालता हूं, किस तरह से हम लोग फॉलो करते हैं मार्केट को। हो सकता है एक डेड कैट बाउंस इसी लेवल पे आए और इसके बाद रोक सको तो रोक लेना, ठोक डालेंगे, बात ही खत्म, डन। तो ओवरऑल ट्रेंड इज डाउन, तो बी केयरफुल, एसआईपी करो, डरना नहीं है, जो मैंने आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स बता रहा हूं उनके ऊपर आप अपना फोकस करो, पैसा झक मार के आप बनाओगे, नो वरी एट ऑल, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच। सर क्लियर हुआ, समझ में आया कुछ पिक्चर, मैं क्यों क्या बोलना चाह रहा था, किसने बोलना चाह रहा था, आई होप यू गॉट माई पॉइंट, व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू से, चीजें समझो सर, पकड़ना सीखो, मजा आएगा, सच बता रहा हूं, छोटी छोटी चीजें होती हैं, और वही चीज टाइम फ्रेम इंट्राडे में लगा लो, इंट्राडे को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फट गया, सीखने को मिला कुछ, समझ में आया, चलिए गाइस ऑलमोस्ट सर 1 घंटा 41 मिनट का ये लाइव सेशन हो गया है, अब मैं आपसे आजादी चाहूंगा, आपसे इजाजत लूंगा, सर भूख भी लग रही है, खाना भी खाना है, एनर्जी भी निकल गया है, सो अब मैं आपसे मिलूंगा लाइव, आज नहीं, आज थर्सडे थी राइट, अब मैं आपको मंडे को लाइव मिलूंगा, तो हम लोग कोशिश करेंगे मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे लाइव आने के लिए। और कमिंग सून वन स्टॉक डीएनए स्ट्रेटजी आई एम गोइंग टू शेयर विद यू गाइस, हैव पेशेंस, स्टे ट्यून्ड विद अस, जय जय, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग।